हमारे यहाँ पर तरुण भनोट जी के यहाँ पर पश्चिम विधानसभा का कार्यकर्ता कल सम्मेलन सुबह 11 बजे से है, और मध्य विधानसभा का विनय सक्सेना जी के यहाँ का हो गया है, लखन गनगोरिया जी के यहाँ का हो गया है, पूर्व विधानसभा लगातार हमारे चला। और मैं आपको बता दूं मंगले भाई, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए मुझे बोला गया तो मेरे भी परिवार के शुभचिंतक मेरे से आगे पीछे होने के लिए कह रहे थे, परंतु मैंने कहा नहीं, आज कांग्रेस पार्टी को मेरी जरूरत है और मैं इस मामले में कहीं पीछे नहीं हटूंगा, और वो चाहे जिस हिसाब से ही हो मैं सामना करूंगा। और आज मुझे अगर मैं 15 दिन पहले की बात करूं और आज की बात करूं तो हर दिन मुझे एक नई फीलिंग मिल रही है, एक नया उत्साह मिल रहा है, और मैं जहां जा रहा हूं मुझे लोग मतलब हर प्रकार से ऐसा जिसकी मुझे कभी कल्पना ही नहीं थी मुझे। और मैं आज जो मुझे माहौल मिल रहा है, जो लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है, मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना कैमरा तैयार रखना, आपको मेरा भेजा जलूस को कैप्चर करना। नहीं, मैं 4 जून को तो मैं रहूंगा। जी जी, आप मैंने सभी से निवेदन किया है, अपने कार्यकर्ताओं और मैंने अपने मतदाताओं और अपने शुभचिंतकों से बोला है 4 जून की जलूस की तैयारी करके रखो। अच्छा, ये आप जब जा रहे हैं मतदाताओं से मतलब वोट की बंदी नोट भी मांग रहे हैं, 10 रुपए मांग रहे हैं, अब इस चीज को लेकर भाजपा ने एक तंज कसा है कि ये इनका स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे विरोधी लोग तो इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि वो घबरा गए हैं। आप बताओ, हमने जैसे पहले भी चर्चा आपसे कर ली कि हमारे सारे खाते सीज हो गए हैं, निर्वाचन आयोग की बहुत से नियम हैं, आज मुझे मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास व्यक्तिगत नहीं है भाई, वो ये भाग्य का खेल रहता है। हमारे जो विरोधी दल के प्रत्याशी हैं उन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिन्होंने खुद वर्तमान में स्वयं की संपत्ति लगभग 35 करोड़ रुपये की दिखाई है, और मैंने उस परिवार में जन्म लिया है जहाँ मेरे पिताजी ने मेरे पास सिर्फ खुद के रहने के मकान के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया, जो कुछ भी मैं कमा पाया, अपने बच्चों को पढ़ा पाया, 2-2 बेटियों की शादी कर पाया, जो मेरी हैसियत रही हो। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना, मेरे यहाँ पर बिल्डरशिप का काम है, ना कोई ठेकेदारी का काम है, ना मेरे कोई अवैध काम है, ये है ही नहीं। मैंने पूरा जीवन बहुत ईमानदारी और महाजनी में जिया। आज भी मैं जहाँ बैठा हूँ ये मेरा महाजनी मेरा परिवार है, सामने ही मेरा जन्म स्थान भी रहा है, तो मेरे व्यापारियों की मुझसे सहानुभूति है। और जब उनने पेपर में ये पढ़ा कि कांग्रेस के सारे खाते सीज करिए, तो वो बेचारे इस बात के लिए चिंतित हो गए कि आकर मेरा दिनेश, मेरा बचपन का नाम दिन्नू भी है, कि मेरा दिन्नू ये चुनाव कैसे लड़ेगा। उन सारे लोगों ने इस बात के लिए मुझसे कहा चिंता मत करना बेटा, और चिंता मत करो भैया, मोदी सरकार खाते सीज कर सकती है, परंतु तुम्हारे लिए अभी मेरे जेब खुले हैं, और उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग। अभी कितना कलेक्शन हो गया अभी तक? बहुत, मैं हर दिन मुझे कहीं 50,000 के ऊपर, कहीं 50,000, कल भी मैं, अब देखिए निर्वाचन आयोग उस पे बोलना, बिल्कुल मैं पूरे हिसाब दूंगा। नहीं, आप खुलासा कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं निर्वाचन, नहीं, हर दिन मुझे कभी कभी 25,000, कभी 41,000 के आसपास ऊपर के भी आंकड़े हैं। आयुष, परसों का कलेक्शन कितना था? 41,000 रुपए था। कल का कितना था? 23,700। मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ, बल्कि मुझे झिझक लग रही, मेरे यहाँ बेचारे वो हमाल काम करते हैं, कुछ हमारे ऑटो वाले काम करते हैं, जिन जो मेरे से सहयोग मांगते हैं हमेशा, चूंकि मैं एक प्रकार से व्यापारी हूँ, सेठ हूँ, तो मैं उनके मालिक हूँ, तो वो करते हैं, परंतु वो मुझे झिझक रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया मैं 10 रुपए नहीं, आप मुझे 500 रुपए लो। मुझे कुछ थोड़ी सी झिझक लग रही है कि ये मजदूर रखती है नहीं आप, मतलब उस समय की याद आ रही है जब शरद यादव जी भी चुनाव लड़े थे तो पब्लिक ने उनको मदद करी थी, तो वही चीज मतलब आप भी। उस समय तो मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी, बहुत ज्यादा याद तो धुंधली, याद नहीं, धुंधली है, पर आज मुझे लोग शरद यादव जी का, हाँ, मुझे लोग ये बता रहे हैं कि बेटा कभी सन 1974 में ये चुनाव जब भारत जबलपुर संस्कार धानी का हुआ था, और चुनाव छात्र नेता शरद यादव नहीं लड़ रहे थे, संस्कार धानी के नागरिक लड़ रहे थे, और आज 50 साल बाद ठीक वही स्थिति दिनेश यादव को भी मिल रही है, और दिनेश यादव को लोग उसी तरीके से शरद भाई जैसे इसने प्यार दे रहे हैं। मेरी जवाबदारी भी उतनी बनती है जितनी शरद भैया की रही है, और जिन्होंने, और मुझे विश्वास है कि जितना आशीर्वाद मिल रहा है ये मुझे पूर्णतः मेरी जीत संस्कार धानी के नागरिकों की, मेरे जबलपुर जिले के संसदीय क्षेत्र की होगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये दिनेश यादव जी थे, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि शरद यादव जी ने जो 74 का चुनाव यहाँ से लड़ा था, तो उस समय भी जनता ने उनकी मदद करी थी, जनता ने उनको अपने पास से पैसे निकाल के दी थे, और उसी चीज को लेके मतलब दिनेश यादव जी भी गए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज है, और इसका शायद आगे उनको फायदा भी मिले, तो हमारी भी शुभकामनाएं, और नवरा टाइम्स की भी उनकी तरफ से है।
तो ये जबलपुर से नवारा टाइम्स के लिए, जबलपुर से मंगलेश्वर।